क्या पाकिस्तान कभी पीओके को गिव अप करेगा? वेरी साउंड रिसाउंडिंग नो। पाकिस्तान कभी पीओके को नहीं गिव अप करेगा और कारण उसके बड़े सिंपल हैं। पहले बात तो आप उनका बिहेवियर देखिए 1947 से। पाकिस्तान विल नेवर गिव अप इट्स क्लेम ऑन कश्मीर एंड इंडिया मस्ट नेवर मेक दैट मिस्टेक दैट इट विल एवर हैपन। सर, हाउ डू यू फील अबाउट द थ्रेट ऑफ चाइना? आई थिंक दैट्स अ सीरियस थ्रेट। चाइना हैज़ अ मच लार्जर मिलिट्री कैपेबिलिटी। हमारी इकॉनमी से बहुत बड़ी इकॉनमी है। चाइना का जो डिफेंस बजट है हमारे से 3 टाइम्स बड़ा है, $225 बिलियन। हमारा 71, 72, 73 बिलियन है। जिस हिसाब से मिलिट्री टेक्नोलॉजी ने चाइना में प्रोग्रेस किया है, वो अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट वेपन्स, लेटेस्ट एयरक्राफ्ट, शिप कैरियर्स, सबमरीन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, हर चीज़ में दे आर वे हेड ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी। वो टाइम दिया गया था कश्मीर के महाराजा को डिसाइड करने के लिए वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं या इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। उस समय धोखाधड़ी में पाकिस्तान ने ट्राइबल रेडर्स के साथ कश्मीर को कैप्चर करने की कोशिश की। उसके बाद 65 में भी उन्होंने यही कोशिश की। उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक का एक ख़ास प्रोग्राम था कश्मीर के बारे में, जो 15-20 साल उन्होंने कोशिश करके फिर 1989 में जब टेररिज्म शुरू की उन्होंने कश्मीर में, वो शुरू किया। तो मेरा ये विचार है पाकिस्तान के देयर इज़ अ DNA डिफेक्ट इन पाकिस्तान मैंटेलिटी। पाकिस्तान पोलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट और जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो इसी बात पे सरवाइव करते हैं कि वो इंडिया को एक थ्रेट बना के पब्लिक को प्रोजेक्ट करें। सब बोलते हैं कि एवरी कंट्री हैज़ एन आर्मी, पाकिस्तान आर्मी हैज़ अ कंट्री, एंड पाकिस्तान आर्मी की रेलेवेंस टू अ ग्रेट एक्सटेंट इस बात पे निर्भर है कि वो इंडिया और कश्मीर की बात को हरदम उठा के रखें। तो आपने देखा होगा 89 से बीच बीच में कई बार सिक्योरिटी फोर्सेस के प्रेशर के कारण टेररिस्ट इंसिडेंट्स कम हो जाते हैं, सिविलियन कैजुअल्टी कम हो जाती हैं, मिलिट्री कैजुअल्टीज कम हो जाती हैं। फिर आप गवर्नमेंट या मिलिट्री उसको प्रोजेक्ट करके बोलती है कि सिचुएशन बेहतर है। सिचुएशन तब तक बेहतर नहीं होगी जब तक पाकिस्तान का माइंडसेट नहीं चेंज होगा। पाकिस्तान का माइंडसेट चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान मिलिट्री और पॉलिटिक्स की जो सर्वाइवल है वो एक इंडिया और कश्मीर की बोगी को जिंदा रखना। तो अगर इस महीने आपके कम कैजुअल्टी हुए, एक साल कम कैजुअल्टी हुए, उसको आप ये मत गलती समझिए कि टेररिज्म ख़त्म हो गई है। टेररिज्म चलती रहेगी हर दम क्योंकि ये पाकिस्तान मिलिट्री और पॉलिटिकल के इंटरेस्ट में है। तो अभी आप देख रहे हैं पहले पीर पंजाल के साउथ में इंसिडेंट्स कम होते थे, 4 इंसिडेंट हुए और आपकी सारी सोच विचार टेररिज्म के बारे में ख़त्म हो गई। 3 साल रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, वैसे आर्मी के 1,80,000 के करीब डेफिशेंसी है ट्रुप्स में। अग्निवीर के कारण और डेफिशेंसी बनती जाएगी। तो सीआई ऑपरेशंस ऐसे हैं कि जो आप जिसके लिए आपको मैन पावर चाहिए, आपकी टेक्नोलॉजी से कोई काउंटर इंसर्जेंसी नहीं जीती जाती। एक मल्टीफेस्टेड अप्रोच होती है इसकी। सो द आंसर टू ए क्वेश्चन इज इंडिया हैज स्टार्टेड मेकिंग एफर्ट्स वेरी रिसेंटली। सो द असर्टिव बिहेवियर ऑफ चाइना, नॉट ओनली साउथ चाइना सी, गलवान में जिस हिसाब से उन्होंने कार्रवाई की, हमारे और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट है कि आप कोई ऐसा वायलेंट एक्शन नहीं लेंगे एक दूसरे के खिलाफ। इसलिए आप देखते हैं वीडियोस में कई बार जब ये कॉन्टेस्ट होता है बॉर्डर पर धक्का मुक्की होती है। गलवान में पहली बार उन्होंने लीथल वेपन जिसमें बार्ड वायर लगा के, जिसमें हमारे एक कमांडिंग ऑफिसर और 20 जवान, दैट वॉज द इंडिकेशन व्हेन द गवर्नमेंट स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट threat is not something that is only manageable diplomatically. अभी क्या हो रहा है पिछले कुछ सालों से, अरुणाचल में गांव के नाम चाइनीज़ में रखे जा रहे हैं, फिर से रिटेट कर रहे हैं कि अरुणाचल हमारा है। जब इंडिया सियांग में कुछ डैम बनाने की बात कोशिश करती है, वो उस चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। ये सारे इंडिकेशंस ऐसे हैं कि ये दे आर नॉट गोइंग अवे, यू कैन नॉट विश देम अवे। ये आप ही नहीं सोचिए कि 20 साल के बाद, ये तो लेगेसी है हमारी कॉलोनियलिज्म की, 47 से आज तक इसमें कुछ बदला है? कुछ नहीं बदला है। तो चाइना इज़ अ सीरियस थ्रेट एंड इंडिया नीड्स टू प्रिपेयर फॉर इट। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। कश्मीर के बारे में भारतीय जनरल के हालिया बयान ने भारतीय मीडिया और मोदी सरकार को हैरान कर दिया है। जनरल ने वाज़े अल्फाज में कहा कि कश्मीर पाकिस्तान के DNA का हिस्सा है और भारत उसे कभी भी पाकिस्तान से नहीं छीन सकता। यह बयान उन सब दावों के बरक्स है जो भारतीय सियासतदान और एंकर्स करते रहे हैं कि 2025 तक कश्मीर भारत का होगा। तिलावत जनरल ने न सिर्फ कश्मीर के हवाले से हकीकत बयान की बल्कि चीन के बारे में भी एक अहम नुक्ता उठाया। उन्होंने भारतीय क़यादत को खबरदार किया कि भारत को चीन के साथ दुश्मनी की कोशिशें महंगी पड़ सकती हैं क्योंकि भारत किसी भी लिहाज से चीन का मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है। जनरल ने एतराफ़ किया कि भारत अस्करी, इक्तसादी और तकनीकी शोबों में चीन से काफ़ी पीछे है और अगर जंग की सूरत हाल बनी तो भारत को शदीद नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये बयान गौरव आर्या, जी.डी. बख्शी और दीगर भारतीय एंकर्स के लिए एक करारा जवाब है जो पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल इश्तिआल अंगेज बयान देते रहते हैं। भारतीय जनरल ने कश्मीर के हवाले से हकीकत पर मबनी ये बातें करके न सिर्फ भारतीय अवाम को एक आईना दिखाया बल्कि भारत के जंगी जुनून और मोदी सरकार की मुतनाज़ा पॉलिसियों पर भी सवालात उठा दिए। उनका कहना था कि भारत की मौजूदा हिकमत अमली ज़मीनी हक़ाइक़ से कोसों दूर है और कश्मीर जैसे हसास मसले को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करना भारतीय सरकार की कमजोरी को जाहिर करता है। ये बयान भारत में ऐसे लोगों के लिए भी एक सबक है जो पाकिस्तान और चीन के खिलाफ जंगी जज्बात को फ़रोग देते हैं और अपनी आवाम को गलत मालूमात फराहम करते हैं। इस बारे से उनका मजीद क्या कहना था इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। हमारे इंडिया के चारों तरफ इतनी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, बाहर भी और अंदर भी, दैट सब इससे इसलिए कि आप इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर पाए उसके लिए सबसे जरूरी है कि आपके पास आपके बॉर्डर सिक्योर होने चाहिए, आपकी इंटरनल कंट्री की सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए। उस पर बियॉन्ड अ पॉइंट आप कटौती नहीं कर सकते हैं। दूसरा, मिलिट्री कैपेबिलिटी डेवलपमेंट एक सडनली आप डिसाइड करें कि मैंने अपनी फ़ौज को तगड़ा बनाना है, रातों रात नहीं होगा। इसको करने के लिए आपको 20-30 साल लगते हैं। जैसे आप देखिए अभी इंडियन एयरफोर्स में जो असेस्ड रिक्वायरमेंट ऑफ एयरफोर्स स्क्वाड्रंस है जो ओपन सोर्सेज में लिखा है वो तकरीबन 41-42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए, हैं उससे बहुत कम। अभी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, उन्होंने राफेल एयरक्राफ्ट की स्क्वाड्रन एक खरीदी है, लेकिन एक स्क्वाड्रन को आने में आपके 3 साल लग जाएंगे। तो अगर आपको ये इतनी जो डेफिशिएंसी पूरी करनी है, पहली बात लगा इतना इकट्ठा पैसा हाजिर करना गवर्नमेंट के लिए भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि इतना पैसा आप देते भी हैं, उतनी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आपको डेकेड्स लग जाएंगे। दैट इज़ वाई इररिस्पेक्ट ऑफ द हूज इन गवर्नमेंट एंड पावर देयर हैज़ टू बी अ लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए जो गवर्नमेंट चेंज होने से चेंज नहीं होना चाहिए, उसको परस्यू करना चाहिए जिससे कि कैपेबिलिटी डेवलपमेंट में गवर्नमेंट चेंज होने से उस प्रोग्राम में कोई रुकावट ना आए। लेकिन आज पिछले 10 साल में इस गवर्नमेंट ने इस लाइन में काफ़ी कोशिश की है, काफ़ी हाई टिकट मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स, नेवल प्लेटफॉर्म्स, एयरफोर्स प्लेटफॉर्म्स वो एक्वायर हो रहे हैं। अब बिकॉज कैपेबिलिटी डेवलपमेंट इन दी एक्सपेंसिव ये 12 जहाज आए हैं, इनकी कॉस्ट तकरीबन 36,000 करोड़ है। कैन यू इमेजिन कॉस्ट ऑफ सस्टेनिंग अ राफेल स्क्वाड्रन 12 एयरक्राफ्ट प्लस सपोर्ट सिस्टम, टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। इंडिया जिस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, कैन नॉट अफोर्ड। तो ये जो आत्मनिर्भर वाला जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ने जिसको मोमेंटम दिया है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, लेकिन आत्मनिर्भर आप 5 साल 10 साल में नहीं होंगे।